कश्मीर में ज्यादा जुल्म है या इधर ज्यादा जुल्म ज्यादा? जुल्म कश्मीर में क्या होता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, लोगों को नजरें बंद कर दिया जाता है, औरतों को बालों से घसीट के नहीं लेके जाया जाता। तो आप कंपेयर कर सकती है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ जुल्म ज्यादा है या कश्मीर में ज्यादा है। तो अभी पीछे आप लड़ाई देख सकते हैं कि पीछे एक दूसरे को जंग की तरफ मार रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा साइड हो जाऊंगी मैं, अपनी फौज मार रही है इंडियन फौज, जो ने कभी किसी सिविलियन को आगे गोली मारी है। पिछली शेलिंग पे पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी पिस्तौल के साथ, ये मुझे फायर लगा था। ये आपके तालिबान वहाँ पे जो कमांडर है अफगानिस्तान को कह रहे हैं मेरे साथ और मुल्कों के बॉर्डर लग रहे हैं, मैं वहाँ दहशत गर्द नहीं भेज रहा, तो आपके साथ मेरी दुश्मनी क्या है? आप तो मेरे मुसलमान है, मैं आपके पास क्यों भेजूंगा? इन्होंने रबर की गोलियां चलाई हम पे, ग्रेनेड बम भी इन्होंने, इधर जो है ना पुलिस इनका डीपीओ है उसने ग्रेनेड बम मारा इधर। अच्छा, खान के लिए जान भी हाजिर है, मैं परसों से दिन रात शेलिंग खा रहा हूँ और पुलिस वालों का मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पर इमरान खान की रिहाई का जैसे ही ऑर्डर आया, दोबारा से हमारी हुकूमत और पुलिस की जानिब से दोबारा यहाँ पर शेलिंग स्टार्ट कर दी गई है। पीछे आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर शेलिंग हो रही है, सारा मीडिया यहाँ पर कवर कर रहा है, लोग यहाँ पर फिर से प्रोटेस्ट करने लगे हैं, लोग दोबारा से यहाँ पर हजूम बना के खड़े हो गए हैं कि शेलिंग करें, हम अपनी जान की बाजी देंगे। लेकिन अब इमरान खान को कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर हम आए लोगों से भी बात करते हैं मस्जिद के, यहाँ पर क्या हजूम दोबारा से बन गया, क्यों प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, सामने दोबारा से शेलिंग स्टार्ट करने का मकसद, जबकि दोबारा से हम देखते हैं कि शेलिंग स्टार्ट हुई, इमरान खान की रिहाई का ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर आ गया, उसके बाद देखेंगे। हम तो अपना यहाँ पे एक सबका के खुशी का इजहार कर रहे थे, लेकिन अभी फिर भी हम अपने कारकुनों को आप देख सकते हैं कि हम फिर भी उनको कह रहे हैं कि आप वापस आ जाए, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें खान साहब हमेशा यही कहते हैं कि आपने पूरा अमन तरीके से रहना है, इसलिए हम फिर भी उनको सबको यही कह रहे हैं कि आप वापस आ जाए, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। वो भी अपने बंदे हैं, अपना अपने मुल्क का नुकसान करना ना, अगर हम वहाँ पे पथराव करते हैं उनके साथ जो भी करते हैं, तो इसलिए हम अपने कारकुनों को कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस आए, ठीक है। और अगर जब तक खान साहब वापस नहीं आते, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, तब तक हम पूरा मन है, हमें कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर ना जाएं, वहाँ पर खतरा है, वहाँ पर ना जाएं और वहाँ पर हम लोगों ने जाकर कुछ नहीं करना। यहाँ पर एक बच्चा भी मौजूद है, बच्चे मुझे ये बताओ इमरान खान की रिहाई का ऑर्डर आ गया, फिर भी क्यों शेलिंग की जा रही है? ये वो लड़के ने ना वट्टे मारे है, वो जा रहे थे तो इस वजह से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोबारा से शेलिंग स्टार्ट करने का मकसद? सर बात ये है कि हमने उनसे मुजाकरात किए, उन लोगों को कहा कि हमारा लीडर रहा चुका है, हम आपकी मेहरबानी होगी ये कदम ना उठाए। यहाँ पर अभी जो है दोबारा से आई थिंक के आगे से लोग आ रहे हैं और खतरा बढ़ता जा रहा है, हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वापस मूव कर रहे हैं, यहाँ पर खतरे होने के ज्यादा चांसेस है, तो पुलिस आ गई है यहाँ पर, तो हम आगे चलते हैं। बच्चा मौजूद है जिसको मैंने सुना और सुनने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर की जाए इसका जज्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे ये बताओ, अभी आप यहाँ पर मौजूद हो, इतने से आप छोटे से हो और आपको नहीं खतरा कि भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपकी जान को भी नुकसान हो सकता है? खान के लिए जान भी हाजिर है, मैं परसों से दिन रात शेलिंग खा रहा हूँ और पुलिस वालों का मुकाबला कर रहे हैं हम। बड़ी बात है, आपकी फैमिली में, आपके फैमिली में किसी ने रोका नहीं आपको? बताओ आपकी फैमिली में किसी ने नहीं रोका? नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। कब से हो यहाँ पे? कल से है। कल से आप लोग यहाँ पर? अच्छा, क्या क्या सामना किया आपने, किस किस चीज को फेस किया? मैंने शेलिंग को भी फेस किया, वाटर कैनल को भी फेस किया, और इनके जो थे बम थे इनके, इन्होंने रबर की गोलियां चलाई हम पे, ग्रेनेड बम भी इन्होंने, इधर जो है ना पुलिस इनका डीपीओ है उसने ग्रेनेड बम मारा इधर। अच्छा, तबाही की है इसने। अच्छा, पीछे वो पुल से नहर जो है ना अभी टूटी हुई है। कोर्ट कमांडर में हवाई पैर सीधा सीधा नीचे को ना, उन्होंने हवाई पैर ऊपर से भी किया और नीचे से भी। अच्छा, सीधे फायर मारे उन्होंने। अच्छा, छह बंदे कत्ल कर दिए उधर उनके मगज में जो है ना गोलियां। मुझे ये बताओ इमरान खान में ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी बात है जिसका आप पे इतना जज्बा है कि आप उनके लिए बाहर निकल आए हो? बस वो गरीबों का, बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, और गरीबों के बच्चे जो उनका मुस्तकबिल चाहते हैं कि वो दो वक्त की रोटी खा सके। बिल्कुल सही सर, आप थोड़ा सा इधर आइएगा बेटा, थोड़ा सा साइड होना। आपने इस बच्चे का जज्बा देखा, बल्कि इन सब बच्चों का जज्बा देखा, मुझे नहीं लगता कि ये उम्र से इधर ही हूँ, 5 माह से इधर है। माशाल्लाह, देखिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अल्लाह सुबहाना ताला ने ये कौम को जिंदा कर दिया है, पहले हम मुर्दा कौम थे, अब इन बच्चों से कौन कोई बंदा जी सकता है? मेरा ख्याल नहीं है कि दुनिया की कोई ताकत इस पार्टी को शिकस्त दे सकती है, जिसमें ये नौजवान बच्चे जो ना गोली का डर ना शेलिंग का डर। मैं बुजुर्ग लोगों से कहता हूँ जो घरों में बैठे हैं,
शर्म करें और इन बच्चों की शक्लें देखें और इंशाल्लाह एक दिन हम एक अजीम कौम बनेंगे। अब पता ये बच्चों की शक्लें देख के मैं बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह हमें अजीम कौम बांधने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इंशाल्लाह। क्या कह रहे हो आप? ये पिछली शेलिंग का पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी पिस्तौल के साथ, ये मुझे फायर लगा था। ये कैमरामैन थोड़ा सा नीचे करके दिखाएगा कि इस बच्चे को हवाई फायर लगा है और जिसपे बेटा मुझे ये बताओ कि कहाँ पर थे मौजूद जहाँ पर ये लगा आपको? उधर ये लपट्टी में कॉल आई थी, हम उधर तबाही करके निकले, उधर फोर्स आई है, उन्होंने उधर से हवाई फायरिंग की है जो मुझे पिस्तौल के साथ इधर फायर लगा था। अच्छा। अभी उन्होंने मेरे कल टांगों पे पत्थर वगैरह उन्होंने पुलिस वालों ने शैल वगैरह डंडे वगैरह मारे हैं, मुझे पकड़ लिया था लेकिन फिर भी मैं उनमें से निकल आया हूँ। बहुत बहुत बड़ा जज्बा है इस बच्चे के अंदर, मैं इसका जज्बा देख के खुद हैरान हो गई हूँ। सर आप मुझे बताइएगा कल जो शेलिंग हुई थी वहां पर तो लोग बता रहे थे कि उसके ऊपर यूएसए लिखा हुआ है, सर हमारी शेलिंग पे अगर वो बम जो छोटे छोटे थे शेलिंग के उसके ऊपर अगर यूएसए मेड है तो सर फिर ये सारा प्रोपोगंडा शुरू से रचाया जा रहा था कि ये अचानक यकदम हुआ है? नहीं, ये प्रोपोगंडा एक्चुअली बहुत देर से है क्योंकि इमरान खान एक नॉट पाकिस्तानी ओनली लीडर, ही द वर्ल्ड लीडर, ही लाइक अ होल वर्ल्ड, इफ यू गो टू द होल वर्ल्ड। हाँ, पर एक क्वेश्चन है मेरा, आपने कहा है कि इमरान खान, अगर अभी हम बात करें इस टाइम की मौजूदा जो हालात बने हुए हैं सर, इस टाइम जान का इतना ज्यादा खतरा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, अभी यहाँ के भी लोगों की बात करें तो मोस्टली यहाँ से लोग भी जा चुके हुए हैं इन घरों के अंदर से भी जो मतलब आसपास के घर है। सर आप मुझे बताइएगा, हम देखते थे कि हमारे हुक्मरान हमें शुरू से बताते थे कि यहूदी हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, हिंदू कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, ये हमारे ना चाहते हुए भी दुश्मन है, पीठ पीछे भी वार करते हैं, सामने ना भी करें। सर आज मुसलमान मुसलमान का दुश्मन ही नजर आ रहा, आज हमारी फोर्सेस हमारे ऊपर क्या कर रही है, ये दुश्मनी है, ये एक वो हमारा इस्लाम ये चीज तो नहीं कहता कि आप इस तरह से ये शैलिंग करो, आप इस तरह से छोटे छोटे बच्चों की जाने लो। ये मैं बताता हूँ कि ऑनेस्टली हमें किसी दुनिया की फोर्स का खतरा नहीं है, अगर हमें खतरा है तो अपनी एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम मिलिट्री कहते हैं, मिलिट्री तो खैर हमारी जान है मगर उनके जो 20-25 जर्नैल हैं अल्लाह सुबहाना ताला उनको हदायत दे, ये जो कुछ 75 ईयर में किया है और हम सब जलील ख्वार हो रहे हैं इस मुल्क में ये जनरल की वजह से है। हमारे मुल्क में दो मुल्क हैं, एक फौजिस्तान है एक पाकिस्तान है। हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो कश्मीर के बॉर्डर पे भी बहुत ज्यादा फोर्सेस है, हमारे खुद के बॉर्डर पे बहुत ज्यादा फोर्सेस है, इंडिया के बॉर्डर पे बहुत ज्यादा फोर्सेस है, सिर्फ क्या है कि एक दूसरे को जंग का खतरा है। सर अगर हम बात करें कि आपको लगता है कि इस टाइम ये वाली जंग ज्यादा मुश्किल है इंडिया से जंग लड़ने के? ये बहुत ज्यादा मुश्किल है जी, क्यों? ये वाकई जो खान साहब कहते हैं ना कि कायद आजम ने ये मुल्क हमें दिया आजाद करवाया, अब हमने गुलामी से आजाद करवाना है, यकीन करें कि इंडिया से हमें कम खतरा है, वो हमारे सिविलियन को नहीं मारते, जो हमारी अपनी फौज है जो हमारे अपने भाई हैं वो हमें ही गोलियां मार रहे हैं, अंदाजा करें कि फिर हम क्या, हम कहने पे मजबूर हैं, ये हमारी मजबूरी है कि भाई हमारे अपनी फौज मार रही है, इंडियन फौज ने कभी किसी सिविलियन को आगे गोली मारी है? नहीं मारी। भाई अगर मेरा फौजी मुझे गोली मारेगा अब मेरे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अब मैं क्या कहूँ? मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी हमें उनकी फौज से खतरा नहीं, हमें अपनी फौज से खतरा है, फिर हमारी फौज को ये चाहिए, कौन सा बिजनेस है, कौन सी दुनिया की ताकत मुझे बता दें जिसमें फौज के इतने बिजनेस हो, DHA हमारा फौज का, बैंक फौज के, ट्रांसपोर्टेशन फौज की, सीमेंट फैक्ट्री, या खुदा के लिए हम कैसे जंगे लड़ेंगे? जाए आप बॉर्डरों पर जाके प्रैक्टिस करें, ग्रेट पीपल ग्रेट फाइटर एवरीथिंग गुड मगर डायरेक्शन गलत है जी। हम अपनी फौज की बात करें, नो डाउट हमारी फौज बहुत बड़ा जज्बा रखती है, आज भी अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए को जब जरूरत होती है तो हमारी फौज सबसे आगे जाती है, मतलब कि यूएसए हमारी फौज को प्रेफरेंस देते हैं और हमारी फौज को बुलाते हैं। सर आज अगर हम देखें तो इंटरनेशनल बेस बहुत ज्यादा गंदा इमेज बन गया, ना सिर्फ फौज का ना सिर्फ पाकिस्तान का, एक एक पाकिस्तानी का स्टेटमेंट आ रही है। यकीन करें कि कोई बंदा इवन अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, उधर रहना नहीं चाहता, अपना मुल्क होता है। अब अंदाजा करें कि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी वो इंग्लैंड कनाडा में रहते हैं, मजबूर हैं, 40-40 साल से लोग वहां रहते हैं, हम उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं यार काश ये मुल्क ठीक हो जाए, वापस आ जाए, पैसों की कमी नहीं है। अंदाजा करें एक बंदा आप अनपढ़ जाके अमरीका में छोड़ दो,
पांच साल बाद वो बिजनेसमैन होगा। ये काबिलियत है, गोरे उसके पास काम करते मैंने अपनी आंखों से देखा है, और बंदे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अब ये हम देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो कश्मीर है उसके ऊपर बहुत जुल्म ज्यादती है। हम देखते हैं कि बहुत जुल्म ज्यादती है इंडिया के पास जो कश्मीर है उन लोगों के ऊपर। सर वो ज्यादती बदतर है या जो अभी ज्यादती हो रही है वो बदतर है? कश्मीर को भूल जाएं, इतना जुल्म तो मेरा ख्याल है कश्मीर में भी नहीं होता होगा। मैं आपको ये बात, मुझे पता नहीं है उधर क्या होता है, मेरी सोच है कि मेरा ख्याल नहीं है कि इतना जुल्म जितना जुल्म इधर होता है उधर होता होगा। ना इज्जत महफूज, ना बहन महफूज, ना बेटी महफूज, ना माँ महफूज, ना कारोबार महफूज, और ना मैं महफूज। अब बोले हमारी कोई चीज महफूज ही नहीं है, तो ये इंडिया से वर्ष तो हम यहाँ खड़े हुए हैं। सही बात तो हमें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुबहाना ताला करे कि हमें ये आजादी मिल जाए। खान साहब को अल्लाह सुबहाना ताला लंबी जिंदगी दे, इंशाल्लाह ये मरने तक हम ये आजादी लेके रहेंगे। इंशाल्लाह मानने को तरजीह देंगे, पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। तो भी वर्ष आप लोगों ने यहाँ पर आए लोगों का जज्बा देखा, इस बच्चे का स्पेशली जज्बा देखा है। अभी आगे और मजीद बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। आप बात करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर मौजूद है शैलिंग का मुकाबला करने के लिए मौजूद है या फिर किसी और वजह से आए हैं? जी कल से इधर शैलिंग हो रही है, रात 12 बजे तक शैलिंग होती रही। छोटे छोटे बच्चे थे जो से लोग लेके आए हुए थे, वो बेहोश हो गए, जख्मी, उनका क्या कसूर था? इन्होंने बहुत ज्यादती की है। अभी पीछे आप लड़ाई देख सकते हैं कि पीछे एक दूसरे को जंग की तरफ मार रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा साइड हो जाऊंगी मैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम कहते हैं इजराइल हमारा दुश्मन है, हम कहते हैं कि तरह तरह की ताकतें हमारे दुश्मन है, लेकिन क्या वजूहत है जो कि वो वाली जंग से ज्यादा इस टाइम यहाँ पाकिस्तान में जंग लगी हुई है? तो आगे बढ़ते हैं, लोगों की जानिब उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों इतनी जंग के माहौल बनाया हुआ है? हम इमरान खान के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे और 3 दिन से खड़े हुए हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हमने कोई क्रिएट नहीं किया इशू। मैं पुरमन से ये बात करना चाहूंगी, हम लोगों कहते हैं कि बाहर की ताकतें हमारी दुश्मन है, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। हमारे मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो अदारे हैं वो अभी आम पब्लिक के ऊपर, सिविल्स के ऊपर कितने ज्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, शेलिंग हो रही है, फिर उसके अलावा पब्लिक की जानिब से भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और काफी चीजों का हम रद्द अमल देख रहे हैं। क्या समझते हैं कि मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ, ना किसी बाहर की यहूदी हिंदू या किसी और ताकत के बजाय? मुसलमान मुसलमान का दुश्मन इसलिए बना हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी को पहली दफा कोई टक्कर के लोग मिले। हर दफा से वो रजीम चेंज करते थे, खामोश हो जाते थे लोग, लेकिन इमरान खान ने इतनी अवेयरनेस दी है यूथ को। हम तो हमें जो छोटे बच्चे वो भी जान गए, और इनको अभी 30-40 साल भुगतना पड़ेगा ये सारा जो इनके करतूत है ना पिछले, ये जो मुताला पाकिस्तान जली बनाई हुई है 1950 से लेके, हम सारा कुछ हिसाब जो दोबारा लेंगे इनसे। 75 सालों में पाकिस्तान डेवलप नहीं हुआ, क्या इमरान खान आने के बाद क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी को टक्कर दे सकता है? इंशाल्लाह होगा, इमरान खान जब आएंगे वो इस बार आर्मी के रिफॉर्म्स भी करेंगे। आपने कहा कि क्या इसके बाद जो इमरान खान आएगा तो क्या टक्कर दे सकेंगे हम दुनिया को? आपने देखा था इससे पहले खबरें क्या आ रही थी, हमारे एक्सपोर्ट इतने बढ़ गए, ठीक है, इसके खबरें आ रही थी कि फैक्ट्रियों को कारीगर नहीं मिल रहे क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर आ रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन रहे थे दुनिया के, हमारे चीजें बाहर जा रही थी, हम वो बना रहे थे मास्क, मतलब कि हर लिहाज से हम आगे जा रहे थे, खबरें यही आ रही थी। इसका बॉर्डर पे खड़े होने का मतलब है इंडिया से हमें दुश्मन बेजी का खतरा है। अगर हम देखें इंडिया से ज्यादा आज पाकिस्तान में जंग का माहौल है, तरह तरह की चीजें तोड़ी जा रही हैं, तरह तरह की चीजों को आग लगाई जा रही है, क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, क्या वो खतरा ज्यादा है या ये खतरा ज्यादा है? ये बच्चे देख रहे हो ये सामने, इन बच्चों के पेट काट के हमने इनके लिए किस असला बनाया था, इनके लिए मिसाइल बनाए थे, हमें इनसे उम्मीद थी, इन्होंने हमें डराया हुआ था। वो देखो आपका दुश्मन बेटा आपको खा जाएगा, आपको मार देगा, ये कर देगा। उन्होंने अनारकी ऐसे पिलाई थी कि हमें लगा था ये सच कह रहे हैं क्योंकि ये बॉर्डर पे बैठे हैं, और हमें लगा था ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए हम 90% बजट उनको दे रहे थे। हम अपना पेट काट रहे थे, हम अपना जो है घास खा रहे थे, घास खाने पे मजबूर थे, लेकिन हम सोचा था कि नहीं ये हमारे भाई बॉर्डर पे खड़े हैं, ये हमारे लिए खड़े हैं ताकि ये इनके लिए हम असला बना सके, इनके लिए जहाज बना सके, लेकिन उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। इन्होंने हमें सिर्फ डराया था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ हमें डरा के बेवकूफ बना के रखा था। क्या करते थे, प्रॉपर्टी का कारोबार करते रहे, ये अपने फैक्ट्रियां बनाते रहे, ये जमीनों पे कब्जे करते रहे, ये सियासतदानों के साथ मिलकर बेल्जियम में जजीरे बनाते रहे, ये ऑस्ट्रेलिया में जजीरे बनाते रहे। तो जनाब हमें जब पता चला है, हमारी जब आंखें खुली है,
जब हमारे ऐनक हमने लगा दिया और हमें इनके करतूत पता चले, उसके बाद हमारा जो भरोसा है वो। अब हम समझते हैं कि हमें ज्यादा जो है खतरा हमें खुद से है, हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर खतरा है, ना कि सिर्फ इंडिया से, इसराइल से या किसी और यूएसए पार्टी से। वो खुद कह रहे हैं आपके तालिबान वहाँ पे जो कमांडर है अफगानिस्तान के, वो कह रहे हैं मेरे साथ और मुल्कों के बॉर्डर लग रहे हैं, मैं वहाँ दहशतगर्द नहीं भेज रहा, तो आपके साथ मेरी दुश्मनी क्या है, आप तो मेरे मुसलमान है, मैं आपके पास क्यों भेजूंगा। बाकी कह रहे हैं कि भाई हम तो आपसे तरक्की में इतने आगे जा चुके हैं कि हम इस चीज में पढ़ना ही नहीं चाहते, मेरे तो जो बिजनेस इतने तरक्कियां कर रहे हैं, मेरे आवाम इतने खुशहाल हो रहे हैं, मैं क्यों लड़ूंगा आपके साथ, अपनी इकोनॉमी क्यों तबाह करूंगा। तो भाई इन्होंने हमें डराया था ताकि अपने नस्लों का ये बना, वो बना सके, नस्लों के लिए खजाने बनाते रहे, हमारे लिए तराने बनाते। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, आज मैं समझती हूँ कि बांग्लादेश क्या सोचता होगा पाकिस्तान के इस हालात को देख के। हमें जिस तरह कहा गया था और जिस तरह हम पहले अफसोस करते थे कि काश हमारे साथ बांग्लादेश होता तो हम ऐसे होते, हमारा ये हो जाता, हम कश्मीर के लिए लड़ते रहे, हम कश्मीर के लिए खड़े होते रहे, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि ये लोग खुशकिस्मत है। क्या कश्मीर में ज्यादा जुल्म है या इधर ज्यादा जुल्म है? जुल्म कश्मीर में क्या होता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, लोगों को नजरें बंद कर दिया जाता है, लेकिन यह है कि वहाँ पुरामन लोगों पे गोलियां नहीं चलाई जाती, वहाँ पुरामन लोगों पे मारा नहीं जाता, औरतों को बालों से घसीट के नहीं लेके जाया जाता। तो आप कंपेयर कर सकती है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ जुल्म ज्यादा है या कश्मीर में ज्यादा है। तो यहाँ ज्यादा है, जैसे हमारी बहनों को बालों से खींच के लेके घसीटते हुए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हम तो बल्कि काफिर है या फिर हम कोई जालिम कौम है, ऐसे लग रहा है, ठीक है, मुसलमान से कोई ताल्लुक ही नहीं। यहाँ पर व्यूअर्स आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर एक एक बंदे की, एक एक जो नौजवान है उसकी राय ये है कि यहाँ पर जुल्म ज्यादा ज्यादा है, इंटरनेशनल बेस जुल्म ज्यादा ज्यादा नहीं है। तो क्या और ज्यादा अपडेट मिलती है इस जैसी एक नई वीडियो में आपको दिखाएंगे थोड़ी ही देर बाद, जब जैसे ही एक पैगाम भी देना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के तवसुत से इन इदारों को, ये जो कड़े हैं जो हम पे शेलिंग करते हैं, जो हम पे फायरिंग करते हैं, हमें मारते हैं।